आंख में पड़ा हुआ तिनका और पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है, हृदय में छुपा हुआ कपट। राम राम सखा भागने जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 188 में आपरे स्वागत है। तो सुनो सा, देखो सा, ए दवाई आवे नी इनर अभी नखरा नी अजीब भी है कि नहीं, खाली पेट चाहिए तो कि नहीं भरोड़ो पेट चाहिए। किसी को कमजोर मत समझो। 5 रुपए वाला वो टिचक टिचक वाला पेन है नी, 5 करोड़ चेक काटने वास्ते काम आवे। एक शेर ने बुड्ढे को पकड़ लिया। बुड्ढा आदमी बोला, मैं तो बुड्ढा हो गया, मेरा खून भी ठंडा हो गया। किसी जवान आदमी को पकड़ो और उसका खून पियो तो शेर बहुत होशियार है तो उन बोलियो, आज गर्मी बहुत है और मेरा मन तो कोल्ड ड्रिंक पीने का कर रहा है। पता नहीं शादी के बाद लोग बीवी से इतना डरने क्यों लगते हैं। मार रमेश साहब साहब के जो सर्दी बहुत है भाई, बर्तन सुबह मांजो। कुछ लड़के तो लड़कियों के इनबॉक्स में मैसेज भेजकर ऐसे इंतजार करते हैं जो की उठी नो रिप्लाई नहीं, IAS और IPS रो ज्वाइनिंग रो लेटर आई। देखो सा, मार रमेश 6 महीना पछे ठेके माते गियो, ठेके वालो मार्क्स रे महीने भी उन्हें पहचान गयो, बिना कहे 2 स्ट्रॉन्ग बियर दे दी। देखो सा, मार रमेश बस ओ सामान कमायो है जिंदगी महीने। देखो सा, मार साहब रमेश यार पूरा लंच खाई गया और डखर खाता हो बोले, बेटा घर जानवर नाम तो कौन ले वाला के मैं थारी रोटी खाई गयो। तो रमेश बड़े मासूमियत बोलियो कि नहीं मार साहब जी, मैं घर जान के दू, मारो टिफिन तो कुत्ता खाई गया। लुगई के रमेश यार आज मैं थाने वास्ते स्पेशल डिश बनाई हूँ, खाते ही गर्मी गायब। तो रमेश बोलियो, एडो कहीं बना दियो है तू। तो लुगई बोली, नवरत्न तेल के पकोड़े, बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत है और आत्मा छोलू भटूरा रही जिंद पकोड़न बैठी है। मोदी जी निवेदन है कि पबजी तरह टीन सी और काकड़िया सब्जी भी बैन कर दो, मारी माँ रोज रोटी बना दे। अर्ज किया है, अकेले हम ही नहीं शामिल इस जुल्म में, नजरें जब मिली थी तो तुमने भी 32 ही दिखाई थी। देखो सा, बुरी बीमारी रो कारण रिया है, मलेरिया फलेरिया डिप्टीरिया गणेरिया पाइरेरिया और भी घनी आ रहा है। देखो सा, कई लोग तो केले के छिलके जैसे होते हैं जो दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं। देखो सा, आजकल ना लोग पुलिस ने देख तो मास्क एड़ो ठीक करे, जो नवे बिंदनिया हुजरो जिन देगन गुम तो ठीक करे। देखो सा, भारत में 5% ही गर्लफ्रेंड आप रे बॉयफ्रेंड री बीवी बन पावे, बाकी 95% तो फेसबुक रे पासवर्ड बनन रह जावे। सच में कितना सही लगता है ना जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के आने के बारे में इस तरह सुनने को मिलता है, ट्रेन 2 घंटे देरी से आएगी, जिनको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। देखो सा, शुक्र है जानवर महीने खाणो पकौने रिवाज को नहीं, बाकी हाथियारे खानदानी लुगाया तो रोटियां पकाती पकाती मर जाती। एक नेताजी के बैग भूटान में अर्थव्यवस्था संभालने में हम आपकी मदद करेंगे। तो नेताजी से कहना चाहती हूँ, साहब जी दस्त हो तो शंख नहीं बजाया करते। मार साहब केवे कि वो कौन सा व्यक्ति है जो मरने के बाद भी याद किया जाता है। तो हमारा वे से बोलिया, जिसके ऊपर लोगों का कर्ज देना हो। धनी केवे, तुम्हारे प्यार में मैं ताजमहल बनवाऊंगा। लुगई बोली, कोई जरूरत को नहीं है, तुम बस टाइम पे रोज बर्तन मान दो वही बहुत है। शादी के बाद सास दामाद को फोन पर, क्या हाल है बेटा? तो दामाद जी बोलिया, हमारी छोड़ियो माजी, आपका घर में तो सुकून है ना, भरोसा नहीं हो रहा है कि इस देश में मंदी कैसे आ गई। जिस देश में 2100 रुपए में धन वर्षा यंत्र मिलता है वो तो ठीक है, टाइम माता ठेका खुलगा, बाकी GDP तो पता लोक में भी नहीं मिलती। डरपोक है वो लोग जो ऑनलाइन नहीं रहते, जिगर चाहिए टाइम बर्बाद करने वास्ते। घरवाली के घूरते रहने पर भी व्हाट्सएप पर बने रहना किसी वीरता से कम नहीं है। स्कूल के दिनों में जिसको अपना पेट काट कर पैसे बचा कर ग्रीटिंग कार्ड दिया, उसने मुझे अपने शादी का कार्ड भी नहीं दिया। मारा मैं ऐसे कहे, उसके बिछड़ने के बाद तो हम मरने वाले ही थे, अचानक याद आया उसकी सहेली ने भी तो नंबर दिए थे, तब जाकर जान में जान आई। रिया चक्रवर्ती और सैनिटाइजर की हालत एक री एक है, पहले कोई जान तो नहीं था और हमें तो हैंग हाथ धोनी जलारे पड़ी है। मीडिया को समझाओ कि देश को रिया की नहीं बल्कि किसान को यूरिया और जवानों को नौकरिया की जरूरत है। जिस लड़की को शादी से पहले देखने पूरा खानदान जाता है और शादी के बाद वो पूरे खानदान को देख लेती है, देखो सा कोरोना भाभी ने 7वां महीना लाग गया है, जल्दी गोद भरी रसम पूरी कर दो। अब एक बात तो बताओ, मायके भेजनी है कि चाइना? चीन का राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन करियो, तुम चीन और भारत के बीच में मत आओ। तो ट्रंप बोलिया, सुन बे ढीगने चाउमीन,
चुपचाप एलआईसी से पीछे खसक ले। मोदी का क्या है, कैलाश पर्वत पर कब्जा कर बोल देगा ना मैं यहाँ आया हूँ और ना ही मुझे कोई यहाँ लाया है, मुझे तो महादेव ने बुलाया है। कचोरी वाला निकला, पराठे वाला निकला, जूस वाला निकला, राशन वाला निकला, प्रचून वाला निकला, सब्जी वाला निकला, दूध वाला निकला, लेकिन आज तक देश भर में कोई ठेके वाला कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। ना इंग्लिश ठेका और ना देसी ठेका। राम राम साखा मांगणी जैसी कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर जा और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जा।